लॉकडाउन 2.0 कैसा होगा ये आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या मांग की। देश में लॉकडाउन 2.0 का कभी भी ऐलान हो सकता है। शनिवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और मीटिंग में ज्यादातर राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है, उसका समर्थन किया है। यह तय किया है कि कोरोना को हराने के लिए जल्द ही देश में लॉकडाउन 2.0 लगाने जा रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और ऑफिसर्स से कहा है कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सभी वापस अपने अपने काम पर लौट आएं। लॉकडाउन के खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 2 दिन। बाजार इसी तरह से बंद रहेंगे। रेल, प्लेन और बसों के चक्के भी ठप रहेंगे। 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी की सभी राज्यों के साथ हुई मीटिंग बता रही है कि पूरे देश में लॉकडाउन का 2 हफ्ते बढ़ना तय है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो आज या कल कभी भी हो सकता है। पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उससे साफ है कि लॉकडाउन 2.0 30 अप्रैल तक होगा, यानी संपूर्ण लॉकडाउन 2 हफ्ते और आगे बढ़ाया जाएगा। फोन करके भी बात कर लेता हूं, लेकिन जो आप बताएंगे और जो नहीं बताएंगे वो भी अपने सुझाव अगर लिखित में भेजेंगे तो हम लोगों को आगे के निर्णय प्रक्रिया में सुविधा रहेगी। और कोई बहुत महत्वपूर्ण बात लगे तो मैं फोन पर भी अवेलेबल हूं और 24/7 मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। और मैं इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करूंगा कि आपके हर सुझाव और आपकी हर बात पर गौर किया जाएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और हम एक निश्चित रणनीति के तहत चलेंगे तब हम देश और देशवासियों को कोरोना संक्रमण से होने वाले नुकसान से। पीएम मोदी के साथ बातचीत में सबकी राय साफ थी। ज्यादातर राज्यों ने साफ कर दिया कि हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन 2.0 बहुत जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन के एक्सटेंशन पर डिटेल्स में चर्चा की, मुख्यमंत्रियों के सुझाव सुने और लॉकडाउन एक्सटेंशन पर प्रधानमंत्री को फुल सपोर्ट किया। आप इसको लॉकडाउन करवाएं प्लीज। हमने तो कल कर दिया क्योंकि कैबिनेट ने फैसला किया तो फैसला कर हमने अनाउंस करना पड़ा, लेकिन अगर आप सारे हिंदुस्तान की कर दें आई वी कैन सेवा से। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग 4 घंटे तक हुई। इस मीटिंग में सभी ने पीएम मोदी के प्लान को समझा, साथ ही इस जंग में पूरा समर्थन देने का वादा किया। कोरोना को लेकर सभी राज्य कितने गंभीर हैं इसकी पहली तस्वीर भी मीटिंग खत्म होते ही नजर आने लगी। पश्चिम बंगाल ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। तेलंगाना में भी 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पंजाब में पहले ही लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया जा चुका है। ओडिशा में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा चुका है। पीएम मोदी ने 4 घंटे की इस मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों के सामने एक और बात क्लियर की और पूरा प्लान समझाया। पीएम मोदी ने कहा, जान भी और जहान भी दोनों पहलुओं पर फोकस। देश में किसी भी जरूरी दवा की कोई कमी नहीं होगी। पीपीई और मेडिकल उपकरणों का पर्याप्त इंतजाम है। हेल्थ वर्करों पर हमले को सख्ती से रोकना चाहिए। जमाखोरी को हर कीमत पर रोकना हमारी प्राथमिकता है। कोरोना का एपिसेंटर बन चुके महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। पीएम से मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया। हमारे देश के सारे सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पीएम से बात हुई। पहला प्रथम ये तीसरी या चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। माननीय पंतप्रधानांसह मी सुद्धा आणि सब लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी हमारे साथ हैं। मोदी जी आपके सोबत हैं। मीटिंग में मोदी सिर्फ सलाह और सुझाव ही नहीं दे रहे थे बल्कि दूसरे राज्यों के सीएम भी खुलकर अपनी बात कह रहे थे। जब हम फोन करते हैं आप उपलब्ध होते हैं,
और तब भी पूरे धैर्य और शांति से आप बात सुनते हैं, सुझाव हम बेहतर देते हैं तो उनको इंप्लीमेंट करने की बात भी करते हैं। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना न सिर्फ आम लोगों के बल्कि देश हित में है।